हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द नालाई ट्रैवलर। और आज के इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं थार डेजर्ट, क्योंकि रेगिस्तान का असली एक्सपीरियंस आपको यहीं पे मिलता है। और इस एक्सपीरियंस को वॉइस ओवर में बताना बहुत मुश्किल है, तो मैं इसे जितना ऑथेंटिक रख सकूँ उतने रखने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे हमारी चेहरों की खुशी आपको बता रही होगी कि हम लोग यहाँ पे कितने एक्साइटेड थे। सो गिरते पड़ते हम लोग जैसे तैसे एक जगह पे पहुँचे, और क्योंकि सनसेट का टाइम था और हमें बहुत सारी एक्टिविटी करनी थी, तो हम लोग रेडी हो गए पैरा मोटरिंग के लिए और जल्दी से अपने आप को एनरोल करा के हमने भरी अपनी पहली उड़ान। और मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मैं बहुत एक्साइटेड था और ऊपर पहुँच के बाय गॉड एकदम चिड़िया वाला फील आ रहा था। और थार का क्या सुंदर नज़ारा था, मतलब मीलों मीलों फैला रेगिस्तान और उस पर सनसेट का व्यू, और मैं उड़ता हुआ एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। पकड़ लो अरे फिर उड़ गया मैं, तुम लोग मुझे पकड़ने नहीं वाले थे। और यहाँ पे मैं लैंड करते करते एक बार फिर टेक ऑफ हो गया, और इसका रीजन जानने के लिए हमें कैमरे के उस पार जाना पड़ेगा। क्या कराते हो आप लोग एकदम, इतने में कौन होता है, थोड़ा और आगे लेके जाना चाहिए। और अगले में नहीं 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 सो थोड़े से ही टाइम में हमने काफी सारे एडवेंचर कर लिया था, और रही सही कसर मैंने ये करके पूरी कर दी। वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए नालायक भवन। सो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी जो मुझे करनी थी रेगिस्तान में, लेकिन टाइम के कंस्ट्रेंट के कारण क्या हम वो कर पाए या नहीं, उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा।